I am Dr. Pawan Kumar Jha from Siemens Group of Institution. Today we will discuss what do you mean by trial balance. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग समझे थे कि लेजर क्या होता है या उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, यानी हाउ इट इज प्रिपेयर टू द लेजर. आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं. बेसिकली ट्रायल बैलेंस जो है वो एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है. यानी ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट. इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. जैसे कि जर्नलाइज हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं या हम लेजर बनाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डेट वाइज होता है, यानी सीक्वेंस में होता है. ऐसा कुछ ट्रायल बैलेंस में नहीं है. ट्रायल बैलेंस जब भी प्रिपेयर किया जाता है वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रिपेयर किया जाता है. तो यहां पर हमको ये समझना है कि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेजर. यानी ट्रायल बैलेंस आप जब भी बनाओगे तो आपको इसके लिए लेजर का होना बहुत ही जरूरी है. अब चूंकि लेजर जो बनाते हैं तो उसमें दो तरह से बनाते हैं, एक तो बैलेंस को फाइंड आउट करने के लिए या एक सिर्फ पोस्ट करने के लिए. तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली जो प्रिपेयर किया जाता है वो मुख्यतः तीन मेथड के द्वारा हम लोग ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं. यानी हाउ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर अंडर द थ्री मैथड्स. फर्स्ट इज कॉल्ड टोटल मैथड और सेकेंड को हम लोग कहते हैं बैलेंस मैथड और थर्ड को कहते हैं टोटल कम बैलेंस मैथड. फर्स्ट टोटल मैथड, सेकेंड बैलेंस मैथड और थर्ड को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड मैथड. यानी टोटल मैथड जो है वो साइंटिफिक मैथड नहीं है, लेकिन बैलेंस मैथड जो है वो एक साइंटिफिक मैथड है. तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस को जब भी प्रिपेयर करना है तो बैलेंस मैथड से समझना है. अब ये मेथड का क्या थ्योरी कहता है कि व्हाट डू मीन बाय टोटल मेथड. तो टोटल मेथड ये कहता है कि लेजर जब हम लोग प्रिपेयर किए हैं तो लेजर का डेबिट और लेजर का क्रेडिट, यानी चूंकि ऑल लेजर अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब डेबिट साइड, राइट हैंड साइड मतलब क्रेडिट साइड. तो जितने भी टोटल अमाउंट डेबिट में होते हैं उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट में पुट कर देते हैं, और जितने भी अमाउंट क्रेडिट होते हैं तो उसको हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में पुट कर देते हैं. इसी के विपरीत है बैलेंस मेथड में टोटल को लिखना नहीं है, इसमें दोनों को यानी डेबिट में से क्रेडिट यानी क्रेडिट में से डेबिट, या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा. क्योंकि हम लोग सभी को ही जानते हैं कि बैलेंस जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक डेबिट बैलेंस दूसरा क्रेडिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस मींस एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड, और क्रेडिट बैलेंस मींस एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड. तो डेबिट बैलेंस हो तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, और अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में. और जब दोनों ही मेथड को इकट्ठा हम लोग लिखते हैं तो उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स मेथड कहते हैं. अब इसके प्रैक्टिकल का जहां तक सवाल है तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू ऑल ऑफ यू.